WHO और दुनिया भर के चिकित्सक विशेषज्ञों ने कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई है। बताया जा रहा है 22 जून से चौथी लहर की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में अलर्ट के बीच जिला अस्पताल आगरा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जून के महीने में कोरोना की संभावित चौथी लहर की प्रबल संभावनाएं मानी जा रही हैं। बता दें कि WHO और दुनिया भर के कई विशेषज्ञों ने ये संभावना जताई है कि ओमिक्रॉन के आधुनिक वेरिएंट BA.2 की दस्तक 22 जून से भारत में हो सकती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए CMS डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बताया कि BA.2 वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये वही स्थिति है कि जब BA की पहली साल में बच्चा या स्टूडेंट कम मैच्योर होता है लेकिन अगले साल में और परिपक्व हो जाता है, तो ये स्थिति ओमिक्रॉन के आधुनिक वेरिएंट BA.2 की बताई जा रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक जून में इस संक्रमण की शुरुआत, इसकी लहर की शुरुआत हो सकती है। हमारे जो अभी ICU बेड जो बनाए थे कोरोना के, वो एज इट इज कंटिन्यूड है। हमारा ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, डॉक्टर्स की तैनाती है, सारी दवाएं उपलब्ध हैं सर हमारे यहाँ, और हमारा कोविड और कोविशील्ड वैक्सीनेशन दोनों पूरी तरह से चल रहा है। काफ़ी मरीज जाँच कराने भी आते हैं, हर प्री ऑपरेटिव जाँच होती है हर मरीज की, वो एंटीजन टेस्टिंग होती है सर। तो हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, सोशल डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, पब्लिक मान नहीं रही है, मास्क तो बहुत ज़रूरी, हम लोग उनसे बिना मास्क के अंदर नहीं आने देते किसी को। तो अभी कहां से ये अलर्ट हुए हैं कि संभावना है कि जून में ये पॉसिबल है? सर WHO ने भी वार्निंग दी है, जून में जो ओमिक्रॉन BA.2 आएगा, जो सेकंड ईयर एंट्री कर रहा है BA.2, जो बच्चा जो सीनियर हो जाता है ना, तो ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, WHO का ये कहना है, तो कुड बी डेंजरस सर। और दूसरा, हमारे कानपुर IIT के प्रोफेसर्स ने भी ये निकाला है कि ये 22 जून से स्टार्ट हो सकती है। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।